हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सॉफ्ट टच में। तो फ्रेंड्स, आज मैं जो डिज़ाइन बनाने जा रही हूँ दो फंदों का डिज़ाइन है और बहुत ही इजी डिज़ाइन है। आप इसे लेडी स्वेटर में डाल सकते हैं, बच्चों के स्वेटर में डाल सकते हैं। तो शुरू करते हैं, इसको कैसे बनाना है। सबसे पहले फंदे डाल के आप इसको बॉर्डर डाल के भी शुरू कर सकते हैं, या सीधा ही फंदे डाल के इस डिज़ाइन को शुरू कर सकते हैं। तो इसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले फंदे डाले हैं मैंने, उसके बाद जो आपकी पहली रो आएगी वो सारी सीधी आएगी। फर्स्ट रो राइट तरफ से सारी सीधी बनानी है आपने, लास्ट तक फर्स्ट रो जो है ये सीधी ही आएगी। फर्स्ट रो पूरी सीधी, सेकेंड रो उल्टी तरफ से सारी उल्टी ही आएगी। सेकेंड रो से भी अभी हमारा डिज़ाइन जो है वो शुरू नहीं होगा। जैसे हम सेकेंड रो लेते हैं यानी कि उल्टी तरफ बुनते हैं, पूरा ये उल्टा ही बुनेंगे। अब हमारी तीसरी सिलाई आएगी सीधी तरफ से, ये भी सारी सीधी ही बुननी है। तीसरी सिलाई भी हमारी सीधी आएगी, यानी कि दो सिलाइयाँ हमारी शुरू की सीधी और एक सिलाई जो है वो उल्टी। ये तीसरी सिलाई सारी लास्ट तक ऐसे हम सीधा ही बुनेंगे। अब हमारी चौथी सिलाई आएगी उल्टी तरफ से, तो इसमें हमने क्या करना है, पहला फंदा जैसे हम उल्टा उतारते हैं वैसे ही धागा दूसरी तरफ करना है, पीछे की तरफ। और अब ये हमारी जो चौथी सिलाई है ये सीधी आएगी। ऐसे हमने, ऐसे तो हम उल्टी तरफ उल्टा बुनते हैं लेकिन ये सीधा बुनेंगे हम। पूरी सिलाई जो है ये एंड तक सीधी आएगी, उल्टी तरफ भी हम सीधा ही बुनेंगे। चौथी सिलाई में सारा सीधा, ताकि ये जो उल्टे फंदे हैं ये इस तरफ सीधी तरफ जो है वो आ सके। लास्ट तक हम ये चौथी सिलाई जो है इसको सीधी ही बुनेंगे। ये आपके सामने एक उल्टी सिलाई डाली मैंने, यानी कि उल्टी तरफ से सीधी सिलाई, तो अपने आप ये जो फंदे हैं ये सीधी तरफ से उल्टे आ गए। अब इस रो से हमारा डिज़ाइन स्टार्ट होगा। तो हमने क्या करना है, पहला फंदा तो हम जैसे सीधा उतारते हैं वैसे ही उतारना है। मैंने आपको आगे बताया कि ये दो फंदों का डिज़ाइन है, तो आपने क्या करना है, ये जो धागा है ये अपनी तरफ करना है यानी कि आगे की तरफ करना है, और ये जो दो फंदे हैं इनका दो का सीधे में ऐसे सिलाई डाल के ए कर देना है। ये ए कर दिया, यानी कि जैसे हम जाली डालते हैं वैसे ही इधर जाली डालनी है, तो हमारे दो फंदे हो जाएंगे, एक और ये दो। मैं आपको फिर से बताती हूँ, ये धागा अपनी तरफ किया और ये दो फंदों का एक फंदा बना दिया, और एक ये फंदा हो गया और एक ये, यानी कि दो इधर कम हुए। फिर से बताती हूँ, ये आगे किया, ये दो का एक कर दिया, यानी कि दो कम हुए और दो ही बन गए। धागा अपनी तरफ किया, ये जो दो फंदे हैं ये सीधी तरफ से ऐसे दो का एक कर दिया। फिर से धागा अपनी तरफ किया, फिर से दो फंदों का एक फंदा बना दिया। फिर से धागा अपनी तरफ किया और दो फंदों का एक बना दिया सीधी तरफ से। ऐसे ही आपने पूरी सिलाई कंप्लीट करनी है, लास्ट तक आपने ऐसे ही बुनना है। ऐसे लास्ट तक हमारी जो सिलाई है वो ऐसे ही जाएगी। लास्ट वाले फंदे धागा अपनी तरफ किया और ये दो का एक, और लास्ट वाला जैसे हम सीधा लेते हैं वैसे ही लेंगे। अब उल्टी सिलाई में क्या करना है, हमने पहला फंदा उल्टा लेना है, दूसरा भी उल्टा ही लेंगे, दूसरा फंदा भी हमारा उल्टा आ गया। अब ये जो जाली वाला है फंदा और उससे आगे वाला है, अब हमने इनको एक साथ बुनना है, यानी कि इन दोनों का एक करना है, लेकिन ये जो धागा है इसको पीछे की तरफ करना है। जैसे हम जाली डालते हैं वैसे ही, जैसे हमने फर्स्ट रो कंप्लीट की इसको वैसे ही बुनना है, जैसे हमने सीधी तरफ बुना वैसे ही हमने उल्टी तरफ बुनना है, लेकिन पहले धागा हमने अपनी तरफ किया था, अब हमने धागा पीछे की तरफ करना है। धागा पीछे की तरफ किया और इसको
ऐसे उल्टे में बुना, दो का एक, दो का एक, दो का एक हो गया और अपने आप ये दूसरा फंदा आ गया। फिर से धागा पीछे की तरफ किया, ये जाली वाला जो, और ये बुना हुआ, ये इसको हमने ये एक कर दिया। फिर से धागा पीछे किया, ये जाली वाला और ये उससे आगे वाला, इन दोनों को एक कर दिया, दो का एक भी हो गया और एक अपने आप डल गया। फिर धागा पीछे किया, फिर दो का एक, फिर धागा पीछे किया और दो फंदों का एक फंदा बना दिया। ऐसे ही आपने सारी रो जो है वो कंप्लीट करनी है लास्ट तक। अब ये लास्ट वाले बच्चे धागा पीछे किया और ये, अब ये दो फंदे बच गए हमारे पास लास्ट में, यानी कि ये जो जाली बना के लिया था वो, इसको हमने अब सीधा बुनना है, उल्टा सॉरी, और ये भी उल्टा ही आएगा। जैसे हमने यहाँ शुरू में दो उल्टे बुने थे, वैसे ही हमने यहाँ लास्ट में भी दो उल्टे ही बुनने हैं। अब नेक्स्ट सिलाई में हमने क्या करना है, आपको दिख रहा होगा ये डिज़ाइन। अब ये जो सिलाई आएगी ये सारी सीधी ही आएगी, इसमें हमने कोई डिज़ाइन नहीं डालना है। लास्ट तक ये जो हमारी सिलाई है ये सीधी ही बुनेंगे हम, एंड तक ऐसे। सीधी सिलाई कंप्लीट होने के बाद आपने उल्टी तरफ से फिर से सीधी सिलाई डालनी है। जैसे हमने डिज़ाइन शुरू करने से पहले सीधी सिलाई डाली थी, वैसे ही उल्टी तरफ से सीधी सिलाई डालेंगे ताकि आगे की तरफ ये उल्टे फंदे जो हैं वो उभर कर आएँ। लास्ट तक आपने ये सारी सीधी ही सिलाई डालनी है। सीधी सिलाई लगभग कंप्लीट हो गई और लास्ट वाला फंदा उल्टा। उल्टी तरफ सीधी सिलाई डालने के बाद आपके पास ऐसा डिज़ाइन जो है वो बनके तैयार होगा। अब आपने फिर से एक सिलाई जो है वो सीधी, एक उल्टी, एक फिर से सीधी, और उसके बाद उल्टी तरफ से फिर से एक सीधी डालनी है ताकि ये उल्टे फंदे जो हैं वो उभर कर सामने आए। तो आपके सामने ऐसा डिज़ाइन जो है वो ब्यूटीफुल सा डिज़ाइन जो है जो बनके तैयार होगा। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा ये डिज़ाइन कैसा लगा, इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।